बॉलीवुड के लिए दिसंबर महीना अच्छा हो सकता है क्योंकि उसमें बॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली है जो रिकॉर्ड्स तोड़ने का दम रखती है। और अभी जिस तरह की मूवी आ रही है उसे तो देखकर लगता ही नहीं कि ये मूवी जवान मूवी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, बट दिसंबर में आने वाली मूवियों को देखकर लगता है कि ये मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। वैसे भाईजान की टाइगर 3 भी आ रही है लेकिन वो नवंबर में रिलीज होगी और ये भी मूवी जवान के सारे रिकॉर्ड को तोड़ने का दम रखती है। तो चलिए बात करते हैं कि दिसंबर में कौन कौन सी मूवीज आ रही है और किन किन मूवियों का इस दौरान आपस में क्लैश होने वाला है। फर्स्ट है रणबीर कपूर की एनिमल, जिसमें बाप बेटे के प्यार को दिखाया जाएगा और मूवी में भाई एक्शन खतरनाक लेवल का होने वाला है और ये मूवी 1 दिसंबर को रिलीज होगी। और इस मूवी का क्लैश होने वाला है विकी कौशल की सैम बहादुर से, जिसमें एक सोल्जर की कहानी बताई जाएगी और ये भी मूवी 1 दिसंबर को ही रिलीज होगी। अब हैं कि इन दोनों मूवियों में से कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस पर फोड़ती है। और अगली मूवी है योद्धा, जो सिद्धार्थ मल्होत्रा की है और इसमें भी एक सोल्जर की कहानी बताई जाएगी कि वो लोगों को आतंकवादियों से कैसे रेस्क्यू करता है। और इसका क्लैश होने वाला है कैटरीना कैफ के मैरी क्रिसमस से। ये क्राइम थ्रिलर ड्रामा मूवी होने वाली है जो क्रिसमस की घटना के इर्द गिर्द घूमती है और ये दोनों मूवियाँ रिलीज होगी 8 दिसंबर को। और अगली मूवीज है जो दिसंबर की सबसे बड़ी मूवीज होने वाली है, वो है डंकी एंड सलार। और डंकी मूवी की स्टोरी भी एक सोल्जर की ही होने वाली है। वैसे तो सलार एक साउथ मूवी है लेकिन ये दिसंबर में रिलीज होगी तो इसे भी इस लिस्ट में रखा गया है। वहीं सलार की स्टोरी को उतना ज्यादा रिवील नहीं किया गया है, बस इतना पता है कि सलार किसी प्रॉमिस को पूरा करने आ रहा है। और ये दोनों मूवियां रिलीज होगी 22 दिसंबर को, जो दिसंबर का सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है। और दोनों मूवियों की हाइप भाई अलग ही लेवल की है, तो देखना ये इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सी मूवी 1000 के क्लब को पार करेगी। वैसे आप बताओ गाइस, आप किस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो।